अविनाश मुखर्जी और अविका गौर ने सुरेखा सीकरी को किया याद। बताया वर्ल्ड की बेस्ट एक्ट्रेस और कहा छोड़ गई है अभिनय की बड़ी विरासत। बॉलीवुड की दर्जनों फिल्में और कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी अदाकारा सुरेखा सीकरी ने 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सुरेखा सीकरी ने सीरियल बालिका वधु में दादीसा का किरदार निभाया था। इस किरदार ने टीवी की दुनिया पर राज किया और लंबे समय तक दर्शकों का दिल जीता। वहीं बालिका वधु के ही कलाकार अविनाश मुखर्जी और अविका गौर ने सुरेखा के निधन पर गहरा शोक जताया है। अविका गौर ने एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, दादीसा अब हमारे बीच नहीं है। सुरेखा सीकरी एक शानदार अदाकारा थी, उन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने आज के कलाकारों को बहुत कुछ सिखाया है। मैं हमेशा उन्हें मिस करूंगी, वो हमारे लिए अभिनय से जुड़ी एक पूरी विरासत छोड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ ससुराल सिमर का के दूसरे सीजन के एक्टर अविनाश मुखर्जी ने भी कहा, मैंने कुछ समय पहले ये खबर सुनी, मैं सुनकर हैरान रह गया था। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे अपना पोता मानती थी। सुरेखा सीकरी का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, मैंने उनके साथ 1.5 साल तक पर्दे पर अभिनय किया है। बीते कुछ समय से मैं उनके टच में नहीं था। अपने काम को लेकर वो काफी गंभीर रहती थी, वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक है। अविका गौर और अविनाश मुखर्जी ने ही नहीं बल्कि टीवी और बॉलीवुड से जुड़े कई कलाकारों ने सुरेखा सीकरी के निधन पर शोक जताया है। सुरेखा इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उनके अभिनय को हमेशा याद किया जाएगा। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।